एक महीने तो उपर हो गया। हाँ जी। सो मैं हूँ यही गल तेन कहनी चाहना वा कि पता कि मम्मी कल्ली काम करते मैं थोड़ा फील होता, मैं कहना तू भी थोड़ा जो काम कम करना स्टार्ट कर घर दे विच। नहीं मैं करती हूँ काम, मम्मी नहीं लगन देंगे है हले। नहीं फिर भी मम्मी कहते सारी उम्र काम ही करना, कोई ना चल थोड़े दिन आराम कर लो। नहीं नहीं पर तू पता कि मैं थोड़ा फील होता वा हूँ, क्योंकि कोई भी माँ प्यो मुंडे का पिता ही करता थोड़ा शौक हो गया है ना भी काम कर दे हाथ बटाया जाए। सो ता मैं तेन ये गल कहनी चाहना भी एक बार तू उस चीज़ के नाल मम्मी ना बैठ के एक बार सलाह कर प्रॉपर, मम्मी बुला उन्हें दस गल कि मम्मी कोई नहीं जिन्ना काम करना तुम कर लिया हूँ मेरी बारी है। हाँ मैं तो मम्मी रोज़ यही गल कहनी हाँ कोई ना अज फिर मम्मी आने बैठन तो मेरे को मैं मम्मी कह दिनी हाँ हाँ ये गल कह दे ठीक है हूँ ही कह दें चलो हूँ ही गल कर लें मम्मी ना मम्मी बुला ही लो इधर बुला लो आवाज़ मार लो मम्मी आई जाओगी किचन में होने बुला लिया बुलाओ मम्मी मैं तो यही कहनी हाँ भी चल कोई नहीं हजे थोड़ा टाइम ही होया ब्याह नूं भी काम ही करने ने फिर भी हजे मैं करनी है कोई गल नहीं भी फिर कर लिया करी कोई गल नहीं तू चिंता ना कर। ओ नहीं मैं तो ना मैं बड़ा फील जा हुंदा तू ना फील तो हुंदा ही हुंदा पुत्ता नूं तो हुंदा ही आ ये कैड़ी गल आ पुत्त तो सोचते ही हुंदे आ मामा दा भी माड़ा मोटा सुख होवे भी साढ़े भी हम इस करके हिंदा ब्याह भी आप इस करके बच्चे तो करते हैं भी सा माँ को सुख होगा बराबर हाथ बटाओ ती मैं लगे हूँ कल देख रहे ठंड लगी सी भांडे तो मैं बड़ी बहुत तरह फील है ठंड में चलो कोई पहले बीमार रहनी है ना। सो तू इदा कर मेरी गल सुन तो कम का सारा घर का काम कुम जो संभाल दो ਅਗਾਂ ਚਲ ਚਾਬੀਆਂ ਚੁੱਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਫੜਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਘਰ ਤਬਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਚੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਸੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਉਹ ਜਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਵਾਰ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਹਾਂ ਆ ਲੋ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਸਮਝਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣੀ ਆ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੈਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ मेरी मां नहीं कम करनी चाहिए बैठना खान पीन दिन सारी काम नहीं बैठूगी तू खवाएगी दिमाग ते बहुत लोड पिया पता नहीं की गल आ मैं चाबियां फड़ा बैठी सारा कुछ मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं रहा पता ही नहीं की गल आ एक मिनट च ही चाबियां आपके हथ बस कर लिया मैं तो कासे जोगी भी नहीं रही मैंने तो पता ही नहीं लगन दिता इन्नी चलाक आ मिनटा च ही गलों गलों में ही आपके को बस करके मेरे तो चाबियां ले लिया पता ही नहीं लगन दिता है ताई हाँ करे करे ही आ जा
दिमाग ते टेंशन जी पई हुई है मेरे ਕਾਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਲੜ ਲੁੜਤਾ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤਾਂ ਕਾਦਾ ਵਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੋੜ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਫੜ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਰੇ 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ मेनू भी कर लिया ना पता ही नहीं लगन दिता एह जी चलाक वा इनी ज्यादा तू सोचना तो सीधा ही कुछ मैं तो सोचन दिता ही नहीं मिनट नहीं लाया ने चाबियां ले लिया दवाई बूटी लैण कढ़ना करना सौ फिर ओ तो मंगनी पऊगी होर की है जां फड़ाई ओनू दित्तियां गलती कर ली ताई ताई नहीं सी करना चाहिदा कोई गल नहीं बाकी मुंडे नूं कहूंगी भी भाई देख और मुंडे ने तो वधिया गल कही सी मैनू मुंडा तो कहिंदा सीगा भी मम्मी तू कल्ली काम कर दियां भी आपे काम कर करिया करूगी ये भी मैनू बहुत दिमाग ते नहीं आहो काम करे काम करन उहनूं की आ हुण महीना हो गया तू काम करन लाई नहीं अजे उहो हां नहीं मैं लाई नहीं सी सर ते तू आप चढ़ाउनी आ ताई फिर मुड़ के कहेंगी मैनूं लाउणी औखी होगी चलो कोई ना चलो कोई ना दी गल नहीं मैं काम करना ही है उहने बेचारी ने कोई गल नहीं मैं तां इन्नी सोच कुड़ियां दे इस ते लिखियां आईयां ने इह उह तां हैगा ही आ फिर दिमाग बीपी वधा के पैजी अगे मेरी मम्मी दा वधिया पिया वा नहीं बीपी दा की वधना कोई गल नहीं जे टेंशन लऊंगी सोचेंगी फिर कुछ ना कुछ बोझ तां दिमाग ते पैंदा बाकी कोई नहीं मैं मुंडे दे नाल गलबात करूंगी सारी ओनू कहूंगी भी देख काका भी ये जी गल नहीं हैगी भी जो भी जिवें भी थोड़ा घर बार थोड़ा वा काम कर तुसी करना इहने बेचारी ने ਨੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤਾਈ ਤਾਂ ਕਰੂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਭੇਟ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਲੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਝਾਕੀ ਜਾਈ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਲ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਏ ਗਏ ਬਸ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਸੌ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਹੈ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ चल कोई ना मुड़ के सारी जिंदगी मैं कहा मम्मी नू मैं काम कुम कर लैनी मम्मी लगन नहीं दिंदे हैगे हां ओही है ना चलो वधिया नाले सारी जिंदगी इत्थे काम करना मुड़ के कित्थे जाना है।
झाड़ू पोचे भांडे कपड़े आही कुछ होना सारी जाके आही जमीन हो जाती है। होर नमिता जी बस दीदी तुसी आए हो तुसी सुनाओ कोई बाहर नमिता जी मैं घर बैठी हुई हाँ। नहीं नहीं बस मैं तुम्हारी मिलना ही आंटी तुम्हारी मम्मी ते मैं चल मैं मिले आवा है। अच्छा की कहते मम्मी? कुछ नहीं बस वो कहते वधिया वा कहते सुभाव भी चंगा वा। अच्छा मैं तुम्हें कहनी भी ध्यान रखियो मुड़के बुढ़िया बदलदिया का टाइम नहीं लगता। कुछ कहने से मम्मी मेरे कहना कहना तो की आ आप किसी को गल करनी है पर फिर भी है ना चंगा जहा नहीं होंगे मुड़के अज कही आए नहीं आए नहीं साड़ी नूं बड़ी चंगी बड़ी चंगी कल माड़ा पैन लगी भी टाइम नहीं लाने नहीं कुछ कहते मम्मी ना ना कहना तो की आ कहते बस चंगा सुभाव भी चंगा वा राणे का भी वधिया बन गया भी चंगी आ कुड़ी का। माड़ा तो कुछ नहीं कहा मैं कहा भी माड़ा कहने से नहीं जो कुछ कहते तो मैं दस दें ना ना है मैं कहना कह चंगा चल मैं जानी हूँ चंगा मैं घर फिर देखा मम्मी नू मम्मी तो बीपी जहा वधिया पिया मैं तो कोई गल नहीं करती जो कुछ कहा मम्मी ने तो दस दो वो नहीं नहीं कुछ नहीं कहा बस मैं चल मैं भाभी भी मिल जा जानी जाती फिर आऊंगी कभी टाइम कट के चंगा हूँ मैं चलती हाँ बह जाओ मैं चाह लैके आनी ना ना चाह चो नहीं ठंडा बह जाओ नहीं नहीं चाह चो फिर कद पीवे मैं की देखना काम सारा उकने पिया वा क्यों मम्मी काम वाली आईया नी काम वाली दा मैं हटातीया क्यों मेनू नहीं सी काम मोड़ना दा वधिया लगदा काम किते चाजदा करदीया नी ते फिर मम्मी इतना सारा काम मैं किवें करूंगी कल्ले हुण तू कर हुण तेरा काम वधिया मैं देखया तेनु काम करदी नु काम सोणा करदीया पानी नहीं सी बणाउंदे हुंदे सी जदों की तेरे मैं ओ कहता मैं सारा काम रसोई दा संभाल लिया चल कपड़े कपड़े धोण नु ते अपने झाड़ू पोछे नु भांडे नहीं तो ही हैगे ने बेकार आ ता बिलकुल नहीं ओदा कम अण सरदे वालों रखिया हुई सी भी सरदा नहीं सी मेरे तो कम नहीं सी हुंदा तां रखिया हुई सी वो कम वाली इस करके भी हुण तैनू देख लिया मैं कम करदी नूं तू कम कर हुण सारा आपां नूं कोई नौकरानी रखनी हैगी वाधू दे पैसे देई जाणे उहनां नूं इस करके तैनू चाबियां फड़ाईआं ने भी तू हुण घर तेरा ही आ सब कुछ तां थोड़ा ही अपना वा घर बार सारा भी तू कम कर हुण जिहड़ी गल मम्मी जे चाबियां फड़ाने दा मतलब ये तां नहीं है कि मैं नौकरानी बण गई नौकरानी की गल नहीं होंगी वो घर समझ के घर नूं काम करी दऊंगा नहीं जिहड़ी काम वाली रखी सी कम से कम उन्हां नूं तां रहण दे वो काम बेकार करदियां सी हुण तैनूं देख के भी तू काम विच विचाले करदी है भी साडे विच वड़दी आ इह आ के असीं की लैणा उहो जिहा काम खराब करन लग गईआं उहो मम्मी मैनूं तां सही लगदा सी तुहानूं पता नहीं क्यों लगी जांदा उह तां हुण कपड़े धोंदियां सी विच सर्फ छड दिंदियां सी की फायदा उहो जिहे कपड़े धोतिआं दा तूं आप सोच मम्मी मैं तो किन्ने साल पहले ही लगी आज सानू कपड़े सर्फ दिखन लग गया नहीं नहीं कपड़े से सर्फ नहीं कपड़े सर्फ तो हम दीदा ही सीगा पता लगता सीगा उन्होंने कपड़े धोत्या का तेरे कपड़े धोत्या का तो कपड़े धोते जमीन समान का फर्क हुंदा उन्होंने तो कल झाड़ करके हो जाना आपां की लाणा नाले तो पैसे देने उन्होंने फायदा कोई नहीं इस गल का कम कर चाबियां तैनू दित्तियां घर दी मालकण बनाया तैनू कम तेरे जुम्मे आ सारा कम घर दा कम कर आपदा बैठना हुण उठ के काम कर सारा खलारा पिया वा अंदर उठ हुण नहीं आना किसे नौकरानी ने बंद करतीआं आपां मैं तां चंगा चाबियां लैने स्यापा ही गल पा लिया पता नहीं कित्थे बैठी आ ओ गल सुण ओ गल सुण यार आणी आ रोटी पानी सारा कुछ मैं ही बनानी आ सारा काम कर दी किचन का सब कुछ मैं ही दे ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਮਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਕੀ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਛ ਲਾਈਏ ਨੀ ਉੱਧਰ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫੜਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਯਾਰ ਹੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸ ਚੱਲ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ